में जीता है और जिसका क्षय होने से उस भव का त्याग करके मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस कर्म के कारण जीव निश्चित समय तक नरक आदि गतियों में रहता है वह है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म का स्वभाव कैसा है? बेड़ी के समान है। जैसे कोई कैदी है, उसको जेल की सजा मिली, किसी अपराधी ने अपराध किया, अपराध के परिणाम स्वरूप उसको जेल की सजा दी गई कि आपको इतने साल तक जेल में रहना है, जितनी सजा मिली उतने समय तक वो जेल में रहेगा, जब तक वो सजा पूरी नहीं होगी तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ सकता। ठीक वैसे ही जितने समय तक हमारा आयुष्य कर्म का बंध हुआ है उतने समय तक हम उस गति में रहेंगे। जैसे ही आयुष्य कर्म के पुद्गल समाप्त हो जाएंगे तो हमें दूसरे जन्म में जाना होगा। प्रतिक्षण संसारी जीवों के 7-8 कर्मों का बंध होता है। 7-8 कर्मों का बंध इसीलिए कहा गया क्योंकि आयुष्य कर्म का बंध मात्र जीवन में एक बार ही होता है। शेष 7 कर्मों का बंध जीव प्रतिक्षण करता रहता है। आयुष्य कर्म का बंध एक जन्म का ही होता है, एक साथ हम 2-3 जन्मों का आयुष्य का बंध नहीं कर सकते हैं। आयुष्य का बंध जो हुआ है वो वर्तमान जन्म का ही होता है, वो भोगने के बाद ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, लेकिन वो साथ में वो आयुष्य कर्म है वो नहीं जाता है। शेष 7 कर्मों की तो भव परंपरा चलती रहती है, जन्मों जन्मों तक वो साथ चलता है, लेकिन आयुष्य कर्म है वह दूसरे जन्म में जो हमने बांधा था वो वर्तमान जन्म में हम भोग लेते हैं, उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु होती है। आयुष्य कर्म है वह सुख दुख नहीं देता है। शेष 7 कर्मों में से जो वेदनीय कर्म है वो हमें सुख दुख देता है, मोहनीय कर्म के कारण व्यक्ति संसार में भटकता रहता है, लेकिन आयुष्य कर्म ऐसा कुछ नहीं करता है। आयुष्य कर्म का मात्र काम है कि जिस व्यक्ति का जिस जीवन में जितना आयुष्य बंधा हुआ है तब तक उसको टिकाए रखता है, वो उसका काम है। यानी बर्थ और डेथ के बीच का जो पीरियड है वह आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म है वह 2 प्रकार का होता है, अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय। अपवर्तनीय जो आयुष्य होता है वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो अनपवर्तनीय आयुष्य होता है वो चेंज नहीं हो सकता है, बदल नहीं सकता है। जितना आयुष्य है उतना ही व्यक्ति भोगेगा, उतना ही प्राणी भोगेगा, लेकिन अपवर्तनीय आयुष्य है जितना आयुष्य हमारा है उतना न भी भोगे। बीच में हमें कोई ऐसा निमित्त मिल गया तो बीच में आयुष्य हमारा टूट भी सकता है। तो निमित्त कौन से होते हैं? ठाणंग सूत्र में 7 निमित्त बताए गए। 7 ऐसे निमित्त होते हैं जिसके कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो सकती, असमय में मृत्यु हो सकती है। तो पहला निमित्त है अध्यवसाय, यानी व्यक्ति में जितना ज्यादा राग होता है, ज्यादा स्नेह होता है किसी के प्रति, और उसका जब वियोग हो जाता है उसके वियोग में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या ज्यादा भय व्यक्ति को होता है किसी का, भय से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा बताया निमित्त, यानी कोई शस्त्र आदि का निमित्त मिलता है उससे भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। शस्त्र है, पॉइजन है, या पानी है, जैसे तालाब में व्यक्ति गया, तालाब में डूब गया, अचानक ऐसी कोई घटना घटित होगी तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। एक्सीडेंट भी हो जाता है, चलते चलते अच्छे से जा रहा है लेकिन कार ऐसी टकराई कि व्यक्ति की अचानक एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाती है। ऐसे कोई ऐसे निमित्त मिलता है जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तीसरा बताए आहार, ज्यादा आहार करने से भी, मात्रा से अधिक आहार करने से भी, यानी भोजन करने से भी, ज्यादा भोजन करने से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और बिल्कुल भोजन ना करे तो भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। चौथा है वेदना, यानी शरीर में ज्यादा पेन होता है,
ज्यादा पेन होने से भी व्यक्ति की मृत्यु अकाल हो सकती, बिना समय में हो सकती है। पांचवा बताया पराघात, यानी पर्वत पर व्यक्ति चढ़ा और वहां से गिर गया अचानक, तो गिरने से भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, या कुएं में किसी ने धक्का लगा दिया तो उससे भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो पराघात से भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। स्पर्श, स्पर्श का मतलब है बिच्छी ने डंक लगा दिया, सर्प ने डंक लगा दिया, बिच्छू डंक लगाता है या सर्प डंक लगाता है, उसका पॉइजन चढ़ जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सातवां है आनापान, यानी श्वासोश्वास की जो प्रक्रिया है, ज्यादा श्वास लेने से भी जल्दी मृत्यु हो जाती है, और या बिल्कुल श्वास को हम सोचे रोक ले, हम श्वास नहीं लेंगे, उससे भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये सात ऐसे कारण है जिससे व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। तो जो अपवर्तनीय आयुष्य होता है, ये सारे निमित्त मिलने से व्यक्ति की बीच में मृत्यु हो सकती है, यानी व्यक्ति का जो आयुष्य है वो चेंज हो जाता है, यानी जितना आयुष्य लेकर के आया था उससे पहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसमें भी वो कारण है बताया गया कि जिस समय आयुष्य का बंद हुआ, उस समय यदि व्यक्ति का जो अध्यवसाय था वो तीव्र नहीं था, जिसके कारण आयुष्य के जो पुद्गल थे, आयुष्य योग्य पुद्गल थे, वो शिथिल बंधे, जिसके कारण निमित्त मिलने से वो टूट जाता है। अभी जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तो कितने लोग कोरोना से चले गए, उसका कारण क्या है, उनका आयुष्य उस समय बंधा था और उनके आयुष्य था वो पुद्गल थे आयुष्य के, वो ढीले थे, यानी लूज बंधे हुए थे, जिसके कारण निमित्त मिलते ही टूट गया। और कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनको निमित्त मिला कोरोना का, लेकिन उनका आयुष्य नहीं टूटा, क्योंकि उनका आयुष्य के जो पुद्गल बंधे हुए थे वो तीव्र थे, स्ट्रोंग थे, जिसके कारण निमित्त मिलने पर भी मृत्यु नहीं हुई, वो सही सलामत घर लौट आए। यह जो अपवर्तनीय आयुष्य होता है वो बीच में टूट सकता है, और अनपवर्तनीय जो आयुष्य होता है, निरुपक्रम जो आयुष्य होता है, निमित्त मिलने पर भी वो टूटता नहीं है। तो जो अनपवर्तनीय यानी निरुपक्रम आयुष्य किसके होता है, कहा गया देवगति के जो जीव होते हैं, देवता के, यानी देवगति में जो भी जाता है उन सब का आयुष्य निरुपक्रम होता है, यानी अनपवर्तनीय होता है, यानी उसको बदल नहीं सकते हैं। जितना आयुष्य जिस देव का होता है, जिस देवी का होता है, तो उतना वो भोग के ही उनकी मृत्यु होती है, तब तक वो जीवित रहते हैं। जो जो देवगति के जो जीव होते हैं उनका मिनिमम आयुष्य 10,000 ईयर का होता है, मैक्सिमम 33 सागरोपम का होता है, यानी तब तक उनको वहां रहना पड़ेगा। और जो नरक गति के जीव होते हैं उनका भी आयुष्य निरुपक्रम होता है, अनपवर्तनीय होता है, वो भी चेंज नहीं होता है, जितना है उनका भी, नरक गति के जीव का भी आयुष्य मिनिमम 10,000 ईयर का होता है और मैक्सिमम 33 सागरोपम का होता है। यानी नरक गति के जीव सोचे कि हमें तो इतने दुखों का जीवन नहीं जीना है, हमें तो यहाँ से मनुष्य गति में जाना है, देव गति में जाना, वो चाहते हुए भी अपने आयुष्य को पूरा नहीं भोग सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते, बीच में उनको पूरा ही भोगना पड़ेगा, वो अकाल मृत्यु यानी बिना मौत मर करके नहीं जा सकते, उनकी जब मृत्यु आएगी तब जा सकते हैं, उनकी जितनी आयुष्य है वो पूरा भोगेंगे, उसके बाद ही उनकी मृत्यु होगी। 33 सागरोपम की सपोज नारकी के नैरिक की आयुष्य है, उनका आयुष्य 33 सागरोपम का है, तो 33 सागरोपम तक उनको सातवीं नारकी में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सातवीं नारकी का हाईएस्ट आयुष्य है 33 सागरोपम और पहली नारकी का मिनिमम आयुष्य है 10,000 वर्ष का। भवनपति देव है, व्यंतर देव है, ज्योतिष देव है, उन लोगों का आयुष्य जो होता है वो कम होता है। तो पहले देवलोक का, सॉरी मैं बोली थी 10,000 वर्ष नहीं, पहले देवलोक का आयुष्य ज्यादा होता है, क्योंकि पल्लोपम, कम से कम पल्लोपम होता है, उत्कृष्ट 2-3 पल्लोपम होता है। लेकिन जो व्यंतर जाति के देव होते हैं, भवनपति देव होते हैं, उनका आयुष्य मिनिमम होता है 10,000 वर्ष, ठीक है। मैक्सिमम किसी का एक पल्लोपम होता है, किसी का 2 पल्लोपम होता है,
लेकिन जो अनुत्तर विमान के देव है उनका 33 सागरोपम का होता है। उस अपेक्षा से कहा गया कि देवता की मिनिमम आयुष्य 10,000 वर्ष की होती है और मैक्सिमम 33 सागरोपम की होती है। और तिरंज गति और मनुष्य गति की जो आयुष्य होती है मिनिमम अंतर मुहूर्त की होती है और मैक्सिमम 3 पल्लोपम की होती है। जो 3 पल्लोपम की जो बोला है वो योगलिक की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि पहले आर्य और आर्य के जो योगलिक होते हैं उनकी उम्र होती है 3 पल्लोपम की। जो देव गुरु उत्तर गुरु के जो योगलिक होते हैं उनकी भी उम्र 3 पल्लोपम की होती है। फिर दूसरे आर्य के जीवों की 2 पल्लोपम की होती है, तीसरे आर्य के जीवों की 1 पल्लोपम की होती है, यानी मनुष्य की, जीवों के मतलब मनुष्य की और तिरंज की। जो मनुष्य और तिरंज योगलिक है उनकी आयुष्य मिनिमम अंतर मुहूर्त की और मैक्सिमम 3 पल्लोपम की होती है। तो ये आयुष्य कर्म 2 प्रकार का होता है, शुभ आयुष्य भी होता है अशुभ आयुष्य भी होता है। तो शुभ आयुष्य कौन सा और अशुभ आयुष्य कौन सा? तो नरक आयुष्य है और तिरंज गति का जो आयुष्य है वो एकांत अशुभ होता है, क्योंकि वहां निरंतर कष्ट का जीवन होता है। जो मनुष्य गति और देव गति का आयुष्य शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। तो मनुष्य गति में जिस व्यक्ति के पास सारी फैसिलिटी है उसके लिए वो शुभ आयुष्य होता है, और जो देव गति है उनके पास इतनी रिद्धि सिद्धि होती है, जो ऊंचे देव होते हैं वैमानिक देव होते उनके लिए देव आयुष्य होता है, वो शुभ होता है। तो आयुष्य 2 प्रकार का होता है, शुभ आयुष्य और अशुभ आयुष्य। तो शुभ आयुष्य कर्म का बंध कैसे होता है और अशुभ आयुष्य कर्म का बंध कैसे होता है? तो कहा गया जो जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है और साधु संतों की निंदा करता है, उनका रेस्पेक्ट नहीं करता है, उनको दान नहीं देता है, शुद्ध दान नहीं देता है, उससे अशुभ और दीर्घ आयुष्य कर्म का बंध होता है। जो साधु संतों को दान देता है, हिंसा नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है और साधु संतों की निंदा नहीं करता है, उस व्यक्ति का अशुभ आयुष्य और लौंगा दीर्घ आयुष्य का बंध होता है। तो ये आयुष्य के 4 प्रकार है। जीव है आयुष्य को 4 प्रकार से भोगता है, नरक गति में जाकर के, तिरंज गति में जाकर के, मनुष्य गति में जाकर के, देव गति में जाकर के। यानी एक साथ ऐसा नहीं कि नरक गति में भी चले गए, तिरंज गति में थोड़ी देर, ऐसे नहीं। जिस जीवन में जितना आयुष्य है उसको भोगने के बाद ही दूसरी गति में जा सकता है, वह बात मैंने पहले बताई। यानी एक टाइम में एक गति का आयुष्य का भोग करेगा, नरक गति में तो नरक गति का, तिरंज गति में तो तिरंज गति का, मनुष्य में तो मनुष्य गति का, देव गति में तो देव गति का, देव आयु का भोग करेगा। ये जो आयुष्य है वो 4 प्रकार का बताया है, नरक आयु, तिरंज आयु, मनुष्य आयु, देव आयु। अब नरक गति का जो बंध है वो कैसे होता है, नरक गति का बंध, क्योंकि नरक गति का बंध कैसे होता है उसको जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे कि नरक गति का बंध कैसे होता है, तिरंज गति का बंध कैसे होता है, तब तक हम क्या है, चारों गतियों में परिभ्रमण करते रहेंगे। चारों गतियों में से अब हमें परिभ्रमण नहीं करना है, उसके लिए हम चारों गतियों में कैसे बंध होता है, चारों गतियों में हम क्यों परिभ्रमण करते हैं उसको जानना जरूरी है। उसके बाद हम ऐसा उपाय करें जिससे हम हमेशा हमेशा के लिए चारों गतियों के जो चक्कर है, परिभ्रमण है, उससे हम मुक्त हो जाए। तो सबसे पहले हम जाने नरक गति के आयुष्य का बंध कैसे होता है। तो नरक गति के आयुष्य बंध के 4 कारण है। तो बहुत आरंभ समारंभ करने से, यानी अत्यधिक जिसमें हिंसा हो वैसा आरंभ समारंभ करता है, ज्यादा परिग्रह रखता है। तो परिग्रह के प्रति, परिग्रह रखना अलग बात है, जितना चाहिए उतना तो रखना पड़ता है, लेकिन उसके प्रति हमारा ज्यादा अटैचमेंट होता है उससे ज्यादा पाप बंध होता है। तो आरंभ समारंभ यानी जिसमें हिंसा ज्यादा होती हो वैसा बिजनेस करने से, सपोज आपने नॉनवेज का बिजनेस किया तो उसमें भी ज्यादा हिंसा होती है, या जंगल काटने का जो बिजनेस है, या ड्रिंक शराब का बिजनेस है, तो ऐसे जो हम बिजनेस करते, कोयले का बिजनेस है, जो 15 कर्मादान है,
पंद्रह कर्मादान से संबंधित जो भी हम बिजनेस करते हैं उसमें ज्यादा हिंसा होती है। ज्यादा हिंसा वाला बिजनेस करने से नरक गति के आयुष्य का बंद होता है। तो नरक गति का आयुष्य का बंद चार कारणों से होता है। तो चार कारण कौन से हैं? नरक गति में जाने का पहला कारण है महाआरंभ। वो आपको समझ में आ गया, महाआरंभ का मतलब है जिसमें ज्यादा हिंसा होती हो वैसा बिजनेस करना, वैसा काम करना, वैसी एक्टिविटीज करना। महापरिग्रह यानी आपके पास जो भी परिग्रह है उसको और कैसे बढ़ा सकते, और कैसे बढ़ा सकते। आपको थोड़े में संतोष नहीं है, मतलब आपके पास मान लो 10 ड्रेस है तो आप सोचते 25 कैसे करे, 25 से 50 कैसे करे। एक मकान उसमें संतोष नहीं है, आपको चाहिए 10 बंगला, 50 बंगला, ज्यादा से ज्यादा धन आपको चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन के प्रति फिर आपका अटैचमेंट हो जाता है, परिग्रह के प्रति अटैचमेंट हो जाता है। उससे क्या होता है, नरक गति का वो जाने का कारण बन जाता है। तो महापरिग्रह, बहुत ज्यादा परिग्रह करेंगे तो उसको मेंटेन में भी आपका ज्यादा समय बीत जाएगा, जिसके कारण जो धर्म ध्यान का टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए महापरिग्रह को भी नरक गति में जाने का कारण बताया है। तीसरा कारण बताया है मद्य मांस का सेवन, यानी मद्य मांस का सेवन करने से भी जीव क्या है, नरक गति में जाता है। यानी नॉनवेज खाने से भी, नॉनवेज खाने से भी व्यक्ति क्या है, नरक गति में जा सकता है। तो नॉनवेज खाते समय यदि उसका भाव एकदम हिंसा का हो रहा है तो भाव कैसे है उस समय उसके आधार पर उसके आयुष्य का बंद होता है। पंचेंद्रिय जीव के हिंसा, जो जिसमें 5 इंद्रिय है, 5 सेंसेस है, उनके हिंसा करने से भी नरक गति के आयुष्य का बंद हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो 7 कारण बताए हैं, 7 कारण बताए हैं। पहला कारण है 7 व्यसन। तो 7 व्यसन में पहला है मांस भक्षण। तो मांस भक्षण करने से भी आपको बताया कि नॉनवेज खाने से भी नरक गति में जाता है, तो नॉनवेज भी एक प्रकार का बड़ा व्यसन माना जाता है। दूसरा व्यसन है मदिरापान, यानी ड्रिंक करने से भी, ज्यादा मात्रा में ड्रिंक करने से भी क्या है, व्यक्ति नरक गति में जा सकता है। जुआ खेलने से यानी ताश खेलने से, वेश्यागमन करने से, शिकार खेलने से, पर स्त्री का सेवन करने से और चोरी करने से, ये 7 व्यसन माने जाते हैं। 7 व्यसन में से कोई भी एक व्यसन भी करता है उससे भी व्यक्ति का नरक गति के आयुष्य का बंद हो सकता है। मतलब जिस समय जो काम कर रहा है उस समय उसके भाव कैसे, उस भाव के आधार पर उसकी गति का निर्धारण होता है। इसके बाद जी ये नरक गति है। तो दूसरी गति है हमारी देव गति। तो देव गति में जीव कैसे जाता है, तो देव गति में जाने के भी 4 कारण है। उसमें पहला है बाल तप। बाल तप यानी अज्ञानी का तप, में तपस्या करता है यानी तपस्या के साथ उसको सही नॉलेज नहीं है, यानी उसके पास सम्यक तो नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि का जो तप होता है वो बाल तप कहलाता है, जो सम्यक दृष्टि का तप होता है वो बाल तप नहीं कहलाता है। यानी जिसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, जिसका उद्देश्य केवल सुख सुविधा प्राप्त करना है, फैसिलिटी प्राप्त करना है, वैभव प्राप्त करना है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना है, उस उद्देश्य से जो तप किया जाता है वो बाल तप कहलाता है। तो आगमों में उदाहरण आता है भगवती सूत्र में, कि भगवती सूत्र में कहा गया जो तामली तापस था, तो तामली क्या था, एक गाथापति था। तो गाथापति था, बहुत ही उसके घर में वैभव था, फैसिलिटी सब प्रकार की थी। एक दिन उसके मन में चिंतन आता है, इस जन्म में तो मुझे इतनी फैसिलिटी मिली है, इसका मतलब है पूर्व जन्म में मैं कोई तप किया था, कोई साधना की थी, इस परिणाम रूप में मुझे यह अच्छा मिला है। लेकिन इस जन्म में यदि मैं कोई तप नहीं करूंगा, कोई जप नहीं करूंगा, तो मुझे अगले जन्म में सारी सुख सुविधा कैसी मिलेगी। इसलिए मुझे मुझे इस जन्म में भी तप करना चाहिए और साथ में मुझे कष्ट को भी सहन करना चाहिए, ऐसा सोच करके वो अपने पुत्र को अपना घर का भार सौंप देता है। तो वो तामली तापस बन जाता है, यानी तापस दीक्षा स्वीकार कर लेता है। तो तापस दीक्षा स्वीकार करने के बाद वह क्या करता है,
तपस्या शुरू कर दी, बेले बेले तपस्या। और पारने में भी वो केवल उबला हुआ चावल खाता था, वो चावल भी क्या करता था 21 बार धो करके पानी से फिर खाता था, इतना उग्र तप करता था। साथ में वो सूर्य की आताप लेता था, यानी सूर्य के सामने वो खड़ा हो जाता घंटों घंटों तक। सूर्य का ताप कितना भयंकर होता है गर्मी के टाइम में, दोपहर के टाइम में सूर्य के सामने खड़ा हो जाता, घंटों घंटों ताप लेता था, आतापना लेता था। तो इतने कष्ट को वो सहन करता था, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था कि मुझे नेक्स्ट बर्थ में रिद्धि सिद्धि मिले, धन वैभव मिले, सब प्रकार की फैसिलिटी मिले, उस उद्देश्य से वो कर रहा था। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि कर्मों की निर्जरा, हम जो भी तप करें हमारा उद्देश्य होना चाहिए कर्मों की निर्जरा, आत्मा की शुद्धि, आत्मशुद्धि के लिए कर्मों की निर्जरा के लिए तप करते तो उससे तो हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। यदि हम दूसरे उद्देश्य से करते हैं तो उसमें कर्मों की निर्जरा नहीं होती है, बस जो मांग करते उतना मिलता है, बाकी आगे पीछे वो कुछ नहीं मिलता है। तो तामली तापस ने तपस्या की, परिणाम स्वरूप उसके देव गति का आयुष्य का बंद हो गया। तो ये बाल तपस्या हो गई। अकाम निर्जरा यानी बिना इच्छा दुख को सहन करना, जैसे कोई मजदूर होते हैं उनकी इच्छा नहीं होती वो धूप में काम करे, लेकिन बेचारे की मजबूरी है, बिना इच्छा से वो क्या करते हैं धूप में काम करते रहते हैं, तो उससे कर्मों की निर्जरा होती है। लेकिन अकाम निर्जरा होती है, सकाम नहीं होती, थोड़ी मात्रा में कर्मों की निर्जरा होती है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी बारिश के, सर्दी के, गर्मी के कितने कष्ट सहन करते, तो उनकी भी अकाम निर्जरा होती है। अकाम निर्जरा से भी जीव ऊपर आता है, धीरे धीरे वो देवगति के आयुष्य का भी बंद कर सकता है। अकाम निर्जरा भी क्या है, देवगति में जाने का एक कारण है। और उसके अतिरिक्त जो देवगति में जाने के दो कारण और है, बाल तपस्या और अकाम निर्जरा तो है ही, लेकिन श्रावकपन पालना, श्रावक के जो 12 व्रत है उसको स्वीकार करने से भी जीव क्या है देवगति में जा सकता है। तो 12 व्रतों का पालन किसने किया था, तो 12 व्रतों का पालन कई श्रावक करते हैं, लेकिन जो उपासक दशा है उसमें 10 श्रावकों का वर्णन आता है, आनंद आदि, आनंद कामदेव आदि श्रावकों का जो वर्णन आता है, कहा जाता है वो जो 10 के 10 श्रावक भगवान महावीर के प्रमुख श्रावक थे, जिनका उल्लेख भगवान महावीर ने स्वयं ने किया था, और उन 10 श्रावकों ने 12 व्रतों का पालन किया, 12 व्रतों का पालन किया, परिणाम स्वरूप सबके सब श्रावक मृत्यु के पश्चात देवगति में जाते हैं। अभी देवगति में है, मृत्यु के पश्चात देवगति का आयुष्य पूर्ण करके वे महाविद्या क्षेत्र में जाएंगे, वहां दीक्षा लेंगे, फिर सारे के सारे मोक्ष जाएंगे। तो देवगति आयुष्य के 4 कारण हैं, उनमें बाल तपस्या, ठीक है, और अकाम निर्जरा, और उसके अतिरिक्त श्रावकपन पालना, और आपको अब दिख रहा है ना, शराग संयम पालने से, दूसरा देह संयम पालने से, बाल तपस्या और अकाम निर्जरा, इन 4 कारणों से जीव क्या है देवगति के आयुष्य का बंद करता है। तो देवगति में, देवगति का यदि रिजर्वेशन कराना है तो आप ये काम करना शुरू कर दें। आपसे सारे काम संभव नहीं है, तो कम से कम अभी आप श्रावक है, तो श्रावक नाम से तो है लेकिन काम से भी आप तब बन सकते हैं जब आप 12 व्रत स्वीकार करेंगे। तो 12 व्रती श्रावक बने, तो 12 व्रती बनने में कोई भी आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर तो कहते हैं जितना आप कर सकते उतना त्याग करें, बाकी आप जितना जरूरत है उतना रख ले, बाकी सब त्याग कर दे, उससे क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी, जिससे पाप कर्म का जो बंद निरंतर ज्यादा हो रहा था वो कम हो जाएगा, जो पहाड़ जितने पाप लग गए थे वो राई जितने हो जाएंगे, जिससे श्रावक व्रत का पालन करने से क्या है देवगति में व्यक्ति जा सकता है। साधुपन तो आप बोलेंगे इस जन्म नहीं बन सकते साधु, तो कम से कम श्रावक व्रत का पालन करें। बाल तप यानी अज्ञानी का तप, अज्ञानी का तप हमें नहीं करना है, हम तो ज्ञान कर्मों की निर्जरा के लिए तप करें, और अकाम निर्जरा भी हम बिना कष्ट इच्छा से कष्ट को सहन करें, इससे तो अच्छा है कि हम स्वेच्छा से कष्ट को सहन करें जिससे कर्मों की निर्जरा हो। तो देव गति में जाने के 4 कारण है, वैसे ही मनुष्य गति में जाने के भी 4 कारण है। तो मनुष्य गति में जीव कैसे जा सकता है,
मनुष्य गति में जाने के चार कारण थाणन सूत्र में मिलते हैं। पहला है प्रकृति की भद्रता यानी सरलता। स्वभाव जितना सरल होता है वह व्यक्ति मनुष्य बनता है। कई व्यक्ति होते बहुत ही सरल होते हैं, जैसा अंदर होता है वैसा बाहर होता है। तो जिस व्यक्ति की कथनी कन्नी सरल समान होती है, जो नेचर से सरल होता है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से मनुष्य गति में ही जाता है। दूसरा है विनय यानी बड़ों का रिस्पेक्ट करना। विनय किसका करना? बड़ों का करना, गुरु का करना, उपाध्याय का, आचार्य का विनय करना, ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, ये सारा जो विनय है। तो विनय की आराधना करने से कहा जाता है व्यक्ति मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। मनुष्य गति तो मनुष्य गति का तो एक कारण है ही, लेकिन आचार्य नेमी चंद्र ने तो यहाँ तक कहा कि विनय से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिसमें विनय होता है वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ज्ञान से व्यक्ति दर्शन क्यों प्राप्त करता है? दर्शन से वो चारित्र को प्राप्त करता है और चारित्र से मोक्ष को प्राप्त करता है। यानी विनय है हमें मोक्ष तक ले जाने वाला है। विनय एक ऐसा गुण है जिससे जीव मर करके मनुष्य भी बन सकता है। तीसरा है दया भाव यानी अनुकंपा, करुणा, करुणा का भाव। जैसे मुझे सुख प्रिय लगता है, मैं जीना चाहता हूँ, वैसे सामने वाले व्यक्ति को भी सुख प्रिय लगता है, वो भी जीना चाहते हैं। मुझे कष्ट अच्छा नहीं लगता है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी हम कष्ट न दें, अपनी ओर से उनकी भी रक्षा करें। दया का भाव होना चाहिए, करुणा का भाव होना चाहिए। जिसमें दया का भाव होता है, करुणा का भाव होता है, वह व्यक्ति मरने के बाद मनुष्य गति में जा सकता है। यानी मनुष्य गति का आयुष्य का बंध का एक कारण है अनुकंपा, दया का भाव। मेघ कुमार वो मनुष्य कैसे बनता है? उससे पूर्व जन्म में वो हाथी था, हाथी के भाव में खरगोश जो प्राणी था उस पर दया की, क्योंकि उसके पैर के नीचे आ गया था। उस लगा कि अगर मैं पैर को नीचा करूंगा तो खरगोश मर जाएगा। तो 3 दिन तक जो दावानल चलता है, जिसके कारण एक जगह सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, सारे प्राणी पशु पक्षी, तो वहां हाथी भी था। हाथी को खुजली आती है तो पैर को ऊंचा करता है, खरगोश को जगह मिलती है तो वो नीचे घुस जाता है। तो 3 दिन तक हाथी ने अपने पैर को ऊंचा रखा और जैसे दावानल शांत हो जाता है, सभी लोग वहां से निकल करके अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। और हाथी ने देखा अब मैं पैर सीधा कर सकता हूँ, क्योंकि खरगोश नीचे नहीं है। लेकिन 3 दिन तक एक पैर ऊंचा रहने से अकड़ जाता है और हाथी धड़ाम से नीचे गिरता है। उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद श्रेणी के घर में मेघ कुमार के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो कारण क्या? अनुकंपा का भाव। इसी प्रकार जो ईर्ष्या नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करने से भी व्यक्ति क्या है? मनुष्य गति में जा सकता है। यदि किसी की प्रोग्रेस ज्यादा होती है तो हमें ईर्ष्या होती है, अरे इसने अमेरिका में, ये तो बाद में आया, हम तो अमेरिका में कब से रह रहे हैं, फिर भी हमारी इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, इसकी इतनी कैसे प्रोग्रेस हो गई। ज्वेलेसी होने से, मदमत्सर से रहित का मतलब, मदमत्सर का मतलब है ईर्ष्या, लेकिन उससे रहित होना यानी ज्वेलेसी ना करना। ज्वेलेसी नहीं करते हैं हम मनुष्य बन सकते हैं। यदि हम किसी को देख करके ज्वेलेसी करते हैं तो उसे हमारे कर्म का बंध होता है। कहा जाता है प्रत्यम पुण्य पाप, प्रत्येक व्यक्ति के पुण्य पाप अपने अपने होते हैं, इसीलिए हमें किसी के प्रति न राग करना है न द्वेष करना है। तो ये मनुष्य गति के जाने के आपको चार कारण समझ में आ गए। अब तिरंज गति में व्यक्ति कैसे जाता है, जीव कैसे तिरंज गति का आयुष्य का बंध करता है? तो ठाणंग सूत्र में कहा गया तिरंज गति में जाने के भी चार कारण है। माया, माया यानी छल कपट करना, कहना कुछ करना कुछ, जिसकी कथनी कन्नी समान नहीं होती है वह व्यक्ति मर करके तिरंज गति में जाता है। आज का व्यक्ति कहता कुछ है, करता कुछ है, दिखाता है सीमेंट लगाता है चूना, कहता है मैं मुंबई जाता हूँ निकलता है पुणे, कहता है मैं लंदन जाता हूँ निकलता है बेल्जियम। तो व्यक्ति की कथनी कन्नी समान नहीं, जिसके कारण व्यक्ति तिरंज गति में जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा जीव है तिरंज गति में ज्यादा जाते हैं, क्योंकि माया का भाव यदि व्यक्ति में होता है तो तिरंज गति के आयुष्य का बंद करता है। दूसरा है गूढ़ माया यानी बहुत ज्यादा छल कपट करना, कोई मिस्टेक हो गई
उसको छुपाने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता रहता है, उसको ढकने के लिए व्यक्ति झूठ बोलता रहता है, यानी ज्यादा छल कपट करता है, जिससे व्यक्ति तीरंज गति में जाता है। तीसरा कारण बताए असत्य वचन, झूठ बोलने से, झूठ बोलने से भी व्यक्ति तीरंज गति में जाता है। यानी योग शास्त्र में तो यह तक कहा गया कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति तीरंज गति में तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ कहा गया निगोद में जाता है। झूठ बोलने वाला जीव निगोद में चला जाता है, यानी तिरंज गति नरक गति से भी अधिक कष्ट कह होता है निगोद के जीवों को होता है, क्योंकि वहां प्रतिक्षण जन्म मरण का चक्र चलता ही रहता है। 48 मिनट में वो 65,536 बार जन्म मरण करते हैं। नाड़ी का एक स्पंदन चले, नाड़ी का एक स्पंदन उतनी सी मात्र में, उतनी सी देर में वो 70 बार जन्म मरण करते। तो जन्म मरण का भयंकर दुख है। निगोद में जीव चला गया तो कहां तक, कब तक रहेगा? जीवा जीवा भिगम जो शास्त्र है उसमें कहा गया कि निगोद में जीव चला गया तो अनंत काल तक वहां रहेगा। अनंत काल का मतलब है अनंत अवसर पीढ़ी, उत्सव पीढ़ी का जो पीरियड है वही बीत जाएगा, वहां तक वो जन्म मरण उसी में करता रहेगा। तो वहां से निकलना कितना मुश्किल है, अनंत काल तक उसी में रहेगा, कोई सूद नहीं, कोई बूद नहीं, कुछ भी कर नहीं सकता है, ना धर्म ध्यान कर सकता है, कुछ भी करने का चांस नहीं वहां पे। तो उसके बाद वो कब वो त्रस बनेगा, कब वो मनुष्य बनेगा, कब वो मनुष्य भी बन जाएगा, लेकिन उसमें भी कब उसे जैन धर्म मिलेगा, और कब वो दीक्षा लेगा, कब श्रावक व्रत का पालन करेगा, कब मोक्ष होगा। तो कितना मुश्किल समय है निगोद का समय बिताना, इतना लंबा पीरियड है। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमें निगोद में जाना पड़े, हम असत्य वचन का प्रयोग ना करें, जितना हो सके हम सत्य बोले लेकिन हम असत्य वचन का प्रयोग न करें, सत्य भी बोले लेकिन सामने वाले व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचे वैसा सत्य भी हमें नहीं बोलना है। सत्य भी बोले, साथ में मीठा बोले, प्रिय बोले। और उसके साथ है चौथा कारण तीरंज गति में जाने का, कूट तोल कूट माप, यानी माप तोल में कमी बेशी करना। यानी आप तराजू में माप रहे, कोई वस्तु दे रहे तो थोड़ी दे रहे लेकिन ज्यादा बता रहे, ज्यादा दे रहे थोड़ी ले रहे, ऐसे मतलब उल्टा पुल्टा करने से उससे भी क्या होता है, नाप तोल में कम बेशी करने से भी जीव तिरंज गति के आयुष्य का बंद करता है। ये चार गति है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति। तो आपने जाना कि इन गतियों में जीव कैसे जाता है। हम ही ऐसा काम करते हैं जिसके कारण हमें ऐसी गति मिलती है। जिस रूप में हमारा हमारी भावधारा होती है उसी के अनुरूप में हमें गति मिल जाती है। तो कौन सी गति में जीव कितने समय पहले आयुष्य का बंद करता है? कहा गया नरक गति और देव गति के जीव और असंख्य वर्ष वाले योगलिक और योगलिक मनुष्य और तिरंज गति के जीव 6 महीने का वर्तमान भव का जब 6 मंथ बाकी रहता है तब नेक्स्ट बर्थ का वो आयुष्य का बंद करता है। और उसके अतिरिक्त जो 63 शला का पुरुष होते हैं वो भी क्या है, 6 महीने पहले ही आयुष्य का बंद करते, उससे पहले नहीं करते हैं। और जो 63 शला का पुरुष होते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती है, देव गति की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, नरक गति के जीवों की भी अकाल मृत्यु नहीं होती, यानी निमित्त मिलने पर भी उनकी मृत्यु नहीं होती है। और 63 शला का पुरुष उनकी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, इसीलिए भगवान महावीर स्वामी को 1 रात्रि में 20 मारणांतिक कष्ट दिए गए लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो तीर्थंकर थे। तो तीर्थंकर होते हैं, चरम शरीरी होते हैं, देव गति के जीव होते हैं, नरक गति के जीव और योगलिक जीव होते हैं, योगलिक मनुष्य तीरंज गति के जीव होते, उनकी अकाल मृत्यु यानी निमित्त मिलने पर भी बीच में मृत्यु नहीं होती है। ये आयुष्य कर्म का आपने जाना कि आयुष्य कर्म का बंद कैसे होता है, आयुष्य कर्म के कितने प्रकार है, वो कितने रूपों में भोगा जाता है, तो ये आयुष्य कर्म कब तक रहता है, कितने गुणस्थान तक रहता है। कहा गया 13वें गुणस्थान तक आयुष्य रहता है, जैसे ही 14वां गुणस्थान आता है तो आयुष्य कर्म का क्षय होता है और जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। और जब तक आयुष्य कर्म क्षय नहीं होता है तब तक जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है, यानी
आयुष्य कर्म तो सपोज एक जन्म का है, मोक्ष हो गया, फिर दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म, क्योंकि आयुष्य कर्म तो क्षीण हो गया इस जन्म का, लेकिन हमारे साथ जो तेजस शरीर है और कार्मण शरीर है वो साथ रहता है। जब तक जीव संसार में रहता है तब तक तेजस और कार्मण शरीर साथ में चलते हैं। औदारिक शरीर मनुष्य तीन इंच गति का है तो औदारिक शरीर छूट जाता है, देवगति नरक गति में तो वैक्र शरीर छूट जाता है, लेकिन तीन इंच गति हो के जीव हो, चाहे मनुष्य गति के नरक या देव, कोई भी जीव हो, महाकाव्य से पूरा करने के बाद तेजस और कार्मण शरीर वापस हमारे साथ होता है, जिसके कारण जीव दूसरे जन्म में जाता है, दूसरे भाव में वो जन्म लेता है। उसके लिए हमें जरूरत है कि हमारे जो आयुष्य कर्म है वो कब क्षीण होता है, संपूर्ण रूप से क्षय कब होता है, जब चौदवा गुणस्थान आता है। चौदवे गुणस्थान में प्रवेश करते ही, यानी उसकी स्थिति बहुत कम है, चौदवे गुणस्थान की पांच रस्वाक्षर जितनी अ ई उ ऋ ऋ, बस उतना सा समय बोलते, उसमें जो चार घाती अघाती कर्म होते वो एक साथ क्षय हो जाते हैं और इधर शरीर भी छूट जाता है और इधर मोक्ष में विराजमान हो जाते हैं, ये सब एक साथ होता है। तो आयुष्य कर्म है वो चौदह गुण स्थान में क्षीण होता है, उससे वो तब तक आयुष्य मतलब जहां जाते हैं वहां का आयुष्य हम भोगते हैं, वो पूरा होने के बाद फिर हम नया आयुष्य का बंद कर लेते हैं, फिर वापस नया जन्म मिलता है, ऐसे करते करते अनंत काल हमारा बीत गया है, तो वो आयुष्य का बंध है वह इस जन्म में, वर्तमान जन्म में हमारे जैसे कर्म होते हैं उसी के आधार पर हमारा अगला जन्म फिक्स होता है, और आयुष्य बंध के साथ जाति गति स्थिति का भी बंध होता है कि कौन सी जाति में आपका जन्म होगा, एक इंद्री में होगा कि दो इंद्री में होगा कि तीन इंद्री में कि चार इंद्री में पांच इंद्री में, कौन सी जाति में होगा और कौन सी गति में होगा, नरक गति में होगा कि तिरंज गति में होगा, मनुष्य गति में कि देव गति में, कौन सी गति में होगा, वो भी फिक्स हो जाता है, और वहां आप कितने समय तक रहेंगे वो भी फिक्स हो जाता है कि हम यहाँ मनुष्य अभी हम बने हैं, मनुष्य के रूप में हम 70 साल रहेंगे कि 80 साल रहेंगे, 90 के 100 के कितने साल रहेंगे, वो भी सारा जब आयुष्य का बंद होता है तब फिक्स हो जाता है। अभी वर्तमान समय में हम कुछ नहीं करें, लेकिन हम पहले से ही आयुष्य का बंद करके आए हैं, अभी तो हम भोग रहे हैं, अभी हम वर्तमान समय के हमारे जैसे कर्म होंगे उसी के अनुसार हम आगामी भोग के आयुष्य का बंद करेंगे, इसीलिए हम एवरी टाइम हम जागरूक रहे, क्योंकि आयुष्य का बंद कभी भी हो सकता है। जीवन का तीसरा भाग कौन सा है वो भी हमें पता नहीं है। आयुष्य का बंद कहा जाता है जो निरुपक्रम आयुष्य होता है, या सोपक्रम, दोनों में से कोई भी आयुष्य होता है। निरुपक्रम वाले जो आयुष्य होता है, इन्हें अनपवर्तनी आयुष्य होता है, वो जीवन के तीसरे भाग में ही होता है, लेकिन जो सोपक्रम आयुष्य है वो जीवन के तीसरे भाग में भी हो सकता है, और तीसरे भाग में नहीं हुआ तो उसका भी तीसरा, उसका भी तीसरा, उसका भी तीसरा, वो लास्ट में 48 मिनट पहले निश्चित रूप से आयुष्य का बंद होता है अगले जन्म का। जब अगले जन्म का आयुष्य का बंद होता है उसके बाद ही मृत्यु होती है, उससे पहले मृत्यु नहीं होती है। जब तक आयुष्य का बंद नहीं होगा तब तक मृत्यु नहीं होगी, इसलिए कभी कोई बोलता है कि अवगति होगी, अवगति किसी की नहीं होती है, गति ही होती है, क्योंकि चार गति में ही जीव का जन्म होता है, कितनी ही दूरी हो गति, यहाँ से कितना ही दूर हो, लेकिन जीव वहां चला जाता है मात्र 4 सेकेंड के अंदर, 4 समय के अंदर, उतने छोटे से समय में जीव एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे भाव में चला जाता है। हमें क्या करना है, अपने मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए हम प्रतिक्षण जागरूक रहे, जिससे आयुष्य का बंध है वो हमारी दुर्गति का न हो, नरक गति और तिरंज गति का न हो, निगोद गति का न हो, और मनुष्य गति और देव गति में भी हो तो अच्छे कुल में, अच्छे देव के रूप में हो। तो वो कब होगा, जब हमारे परिणाम, हमारी भावधारा विचारधारा अच्छी रहेगी, तभी अच्छी गति के आयुष्य का बंध हो सकता है। और हमें लक्ष्य रखना है कि हमें तो सब गतियों से मुक्त होकर के पंचम गति यानी मोक्ष गति में हमें जाना है। अब हमें संसार में परिभ्रमण नहीं करना है, अनंत काल बीत गया संसार में परिभ्रमण करते करते, अब हमें संसार में जो जन्म मरण की श्रृंखला जो चल रही है उनसे हमें मुक्त होना है, सिद्ध होना है,
यही हमें लक्ष्य रखना है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।